नमस्कार, आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हरजेश मेहरा। कहते हैं संयुक्त परिवार सुखी परिवार, इसका हमने पहले भी चर्चा की थी और आज फिर इस एपिसोड पे चर्चा करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी रिश्तों पर, बाप और बेटे का रिश्ता कैसा होना चाहिए। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा और समझा भी होगा, और मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि आपने इस एपिसोड को देखकर जो कमेंट्स दिए हैं, जो सुझाव दिए हैं, उससे हमारा मन खुश हो रहा है क्योंकि आपने उसको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश की है। आज फिर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं एक और रिश्ते को लेकर, पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं गृहस्थी जीवन स्वर्ग भी है और नरक भी है। जो गृहस्थी जीवन को सही से संभाल लेता है वो समर जाता है, जो नहीं संभालता वो बिखर जाता है। आज बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी आपने हजारों वीडियो YouTube पे देखी भी होंगी, वो हमेशा ही ज्वाइंट फैमिली की बात करते हैं और लोगों के जीवन में सुख कैसे आना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। आइए पहले रूबरू करा देता हूँ। हजार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे स्टूडियो में आए। धन्यवाद मेहरा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने मान सम्मान से मुझे बुलाते हो, सभी दर्शकों का धन्यवाद। देखिए, कहते ना गिव एंड टेक होता है मान सम्मान। आप हमेशा ही अपनी वीडियो में हर एक परिवार को, हर एक शख्स को यही कहते हैं कि आप किसी का बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, और उसके लिए इतना ही नहीं, आप पुरजोर, आज तक मुझे मालूम है मेरे ख्याल से हज़ारों के वीडियो आपने अपलोड कर दी होंगी लोगों को समझाने के लिए कि आपका जो जीवन जो प्रभु ने दिया है बहुत छोटा सा जीवन है, इसको अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ बाँट लो, दूसरों की ज़िंदगी में भी खुशियाँ बाँट दो, तो तभी बाँटोगे अगर आप खुश होगे तो लोगों को भी खुश रखेंगे। तो आज बात करेंगे अजाई जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पति पत्नी के रिश्ते से जी, क्योंकि आपका जो परिवार है वो 5 पीढ़ियों से चला आ रहा है और आज तक संयुक्त है। यहाँ तक कि कभी कोई लड़ाई झगड़े की बात तो बहुत दूर की है। आप कहते हैं हमने कभी किसी को गिला शिकवा भी नहीं किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। सुनने में तो आसान सी लगती है लेकिन अगर प्रैक्टिकल जीवन में बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले जो जीवन स्टार्ट होता है, जब दुनिया भी स्टार्ट हुई तो पति पत्नी से हुई थी, तो जो पति पत्नी का जो पवित्र रिश्ता है, वो कहते हैं बच्चे भी बाद में आते हैं जी, तो उस पवित्र रिश्ते को कैसा होना चाहिए, वो आदर्श पति पत्नी का रिश्ता जी। मेरा साहब ऐसे है जी, पति पत्नी का जो रिश्ता है जी, बहुत पावन रिश्ता है जी, बहुत समृद्ध रिश्ता है, बहुत मिठास वाला रिश्ता है। अगर हम पति पत्नी का प्यार घर परिवार में रहेगा तो मुझे लगता है कि आपकी जो आने वाली जनरेशन होगी, जो बच्चे होंगे आपके, वो भी आपको देखेंगे, अपने माता पिता को देखते हैं तो वही सीखेंगे। समाज सोसाइटी में तो बच्चे बाद में जाएंगे ना, पहले तो वो परिवार में रहते हैं। जब परवरिश होती है तो बच्चे परिवार से परवरिश क्या मिलती है। मैं चाहूंगा कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है, जो हमारे ग्रंथों में है, श्री राम जी का। देखिए, श्री राम जी 4 भाई थे जी, चारों अपनी अपनी पत्नियों के साथ बहुत प्यार से रहे, बिल्कुल, जो हमारे ग्रंथ कहते हैं, बताते हैं। और जो श्री राम जी के पिताजी थे, जो दशरथ जी, उनकी 3 पत्नियां थी जी, सबको पता है। देखिए, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। देखिए, उन्होंने, सुमित्रा और कैकेयी ने अपने पति दशरथ के साथ कैसा व्यवहार किया वो जग जाहिर है, वो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है जी, जी। और कैकेयी ने कैसा व्यवहार किया वो भी सबको पता है। तो मुझे लगता है कि हमारे सनातन धर्म में जो चीजें लिखी हुई हैं, जो हमने पढ़ा है, जो हमारे आज साधु संत समाज जो हमें संदेश देते हैं, तो इसको हमें अमल में लाना चाहिए। पति पत्नी का प्यार ही
इंसान को बहुत अच्छा और बहुत मजबूत बनाता है। आज देखिए, मैं कुछ वीडियोस में पहले बोल चुका हूँ, शेयर किया मैंने समाज सोसाइटी को, आज मेरी मैरिज को 36 ईयर्स हो गए हैं। तो मेरा साहब ये है कि ये समाज सोसाइटी को आज मेरा संदेश है कि पति पत्नी के प्यार के अंदर जो है ना, तभी आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, तभी आपका परिवार आपका मान सम्मान करेगा जब आपका पति पत्नी का प्यार होगा। पति पत्नी के प्यार के अंदर किसी बात की विघट मत डालो आप। जिस पति को पत्नी ने अपना परमेश्वर मान लिया और पति ने अपनी पत्नी को लक्ष्मी का रूप मान लिया, मैं ये सभी दर्शक जो देख रहे हैं, मैं उनको कहूंगा आपके घर में कभी कलह क्लेश नहीं हो सकता। हमारे लोगों का क्या होता है कि हम पति पत्नी आपस में लड़ते हैं। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि पति पत्नी का झगड़ा किस बात का होता है। मुझे बड़ी हैरत होती है कि एक पति अपनी पत्नी को नहीं संभाल सकता, एक पत्नी अपने पति को नहीं संभाल सकती, तो फिर मैं एक चीज बड़े नम्रता विनम्रता से कहूंगा कि फिर हम धरती पर करने के आए हैं। तो मैं सभी को कहूंगा पति पत्नी का प्यार, आपकी आने वाली जो जनरेशन होगी वो भी प्यार तभी रखेगी अगर आप पति पत्नी का, वो अपने माता पिता का प्यार देखेंगे तभी वो आपस में प्यार करेंगे आपका। यानी जब बड़े होंगे, बच्चे प्रवेश देंगे, तो वो बेटा जो बहू आपके आएंगे तो वो घर में वही व्यवहार करेंगे आपके साथ जो आपका पति पत्नी का होगा। बिल्कुल, देखो कहते ना बच्चे भी माँ बाप से सीखते हैं, तो आपका कहने का तात्पर्य यही है। लेकिन पति पत्नी का जो आदर्श रिश्ता है जी, धीरे धीरे आजकल के जमाने में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 50-60% ऐसे देखने को आए हैं पति पत्नी के रिश्ते जो हाँ तो कोर्ट कचहरियों में लगे हुए हैं लोग जी, जहाँ फिर वो सबसे पहले चाहे पत्नी की इच्छा हो चाहे पति की इच्छा हो, वो घर से अपने माँ बाप से अलग होना चाहता है, अपनी आज़ादी की ज़िंदगी अलग जीना चाहता है जी। क्या वो अपनी ज़िंदगी माँ बाप से अलग होकर अच्छा गृहस्थ जीवन बिता सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। मुझे लगता है कि जिस इंसान की मजबूरी है, कोई आर्मी में है, फोर्स में है, कोई मतलब जो भी कहीं उसमें डिफेंस में है, तो उनकी मजबूरी है कि उनको अपना परिवार छोड़कर जाना होता है देश की रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, बड़ी अच्छी बात है, उनकी मजबूरी है। लेकिन जो अपने माता पिता को शादी के बाद छोड़ देते हैं 1-2 साल में 4 साल में 5 साल में, मैं उनसे नम्रता विनम्रता से ये पूछना चाहूँगा कि ऐसे ही आपके जीवन में कौन सा विघन आ जाता है कि जिससे आप अपने माता पिता से अलग होने के सोचते हो? मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अपने माता पिता के साथ रहते हो तो भगवान जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद आपके ऊपर होता है, क्योंकि माता पिता की छाया के नीचे रहने का मतलब है आपके ऊपर प्रभु का, श्री राम का, श्री कृष्णा का, सभी देवी देवता का बहुत बड़ा आशीर्वाद आता है। एक चीज और कहना चाहूंगा, पति पत्नी का प्यार जो है, अगर पति पत्नी का एक स्वच्छ नियत से प्यार होगा, अटैचमेंट होगी, तो देखिए मायका और ससुराल, पति का है या पत्नी का, दोनों का मायका भी होता है और ससुराल भी होता है, वो दोनों परिवार खुश होते हैं। मींस कि आपको दो परिवारों का आशीर्वाद मिलता है। जो पति पत्नी आपस में प्यार से रहते हैं, तो जो आपका पड़ोस है, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपका समाज सोसाइटी है, जब आप उनके सामने जाते हो तो एक मिसाल बन जाते हो। वो कहते हैं ये देखिए कपिल कितना अच्छा है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, क्या फर्क पड़ता है? हम पति पत्नी का आपस का अगर कोई तनाव है, कोई परेशानी है, मान लो कुछ है, तो उसको घर की चार दीवारी में एक रूम में बैठ के सुलझा लो बस। इसको समाज सोसाइटी को क्यों तमाशा दिखाते हैं लोग? मुझे मेरा सब ये चीज बहुत बुरी लगती है। मैं समाज को कहना चाहूंगा कि जीवन में पति पत्नी की लड़ाई होती है, माता पिता को आप छोड़ के अलग रहते हैं, भाई भाई से अलग रहते हैं, आप बच्चों से अलग रहते हैं, तो मुझे लगता है कि समाज सोसाइटी ठीक है, देखती है, समझती है सब कुछ, लेकिन वो कभी आपको अच्छा नहीं कह सकती। मैं चाहूंगा कि सुख शांति से जीवन गुजारो। ये जीवन एक बार मिला है, एक बार, इसको दोबारा हम किस कैसा जन्म होगा,
किस रूप में जाएंगे। ये मैं कहता हूँ कि ये इंसान का जो हमें एक चोला मिला हुआ है, इंसानियत जो है ना, अगर हम जिंदा नहीं रख सकते तो फिर मैं समझता हूँ कि हमारा धन कमाया हुआ, हमारी एजुकेशन, हमारा स्टेटस स्टैंडर्ड, कहीं ना कहीं फिर उसमें एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। पति पत्नी का प्यार, जीवन व्यवहार, पर सवाल तो यही है ना, जो ख्वाहिशें आजकल है जी, पत्नी जब अपने ससुराल घर आती है मायका छोड़कर तो बड़ा अरमान लेके आती है, जब उसको कारण यही होता है जब वहाँ आके वो प्यार नहीं मिलता, जब वो वहाँ आदर सत्कार नहीं मिलता जी, तो फिर वो वहाँ जो डिफरेंसेस है वो शुरू हो जाते हैं। तो क्या पति वहाँ पर समझदार होना चाहिए कि मैंने जो इसकी जिंदगी में जो इसकी इच्छाएं हैं वो कैसे पूरी करूं, जब पत्नी को समझना चाहिए अब जो मेरे पति का जितना जो इस फैमिली का जितना सपोज उनकी जितनी इनकम है उस हिसाब से मैं गुजारा करूं, तो ये कहां तक आप समझते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहां पति पत्नी की आती है, पैसे को लेके आती है या संसारिक रिश्तों में लेके आती हैं, और ज़्यादातर जैसे हम देखते हैं सास बहू के रिश्ते को लेकर आती है जी। देखिए पति पत्नी का मैं ये समझता हूँ कुछ थोड़ी बहुत ईगो प्रॉब्लम होती है जी, पति की गलती हो तो मुझे लगता है कि उनको मान लेना चाहिए। अगर पत्नी को गलती करती है तो पति का फर्ज बनता है प्यार से एक बार दो बार समझाओ, और मेरा ऐसा मानना है कि तीसरी बार समझ आ जाएगी, बिल्कुल कोई बहुत बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं होती है। पति पत्नी के प्यार के अंदर एक सबसे बड़ी एक बात मैं आज कहना चाहूंगा, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक ने कहा दूसरे ने माना, और आपको मैं आज एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि मेरी मैरिज को 36 इयर्स हो गए हैं, 1988 में मेरी मैरिज हुई है जी। मैंने डे वन से अपनी पत्नी को कहा था कि आपने अपने ससुराल का मान सम्मान करना है, मैं अपने ससुराल का मान सम्मान करूंगा, बिल्कुल, यानी आपके मायके की मैं इज्जत करूंगा और आपने मेरे मायके की इज्जत करनी है, बिल्कुल। देखो पति हो या पत्नी हो, दोनों का मायका होता है और दोनों का ससुराल होता है। जब आप पत्नी और पति एक दूसरे के मायके की इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ इससे भी रिलेशन बड़े स्ट्रांग होते हैं। जो लड़ाई झगड़ा या तू मैं वाला जो है ना, वो चीजें खत्म हो जाती है, क्योंकि देखो किसी भी इंसान से गलती हो सकती है, वो पति है या पत्नी है, वो मायका या ससुराल है, लेकिन जीवन में ऐसा कभी इशू मत बनाओ कि आपको पति पत्नी को अलग रहना पड़े या मायके और ससुराल को अलग आपस में रहना पड़े। तो आपका पति पत्नी का प्यार ही मायका और ससुराल का प्यार पैदा होता है, उससे रिस्पेक्ट होती है, और यही एक समाज सोसाइटी में आपकी पहचान होती है कि आप में क्या क्वालिटी है, कितना एक दूसरे को कोऑपरेट करते हो। तो मैं चाहूंगा, इतना हसीन रिश्ता है, इतना प्यारा रिश्ता है पति पत्नी का, तो इसको संजो के रखो, प्यार से रहो, देखो कितना आनंद आएगा आपको जीवन जीने का। तो सभी को मैं कहूंगा कि पति पत्नी का प्यार, जीवन में बाहर आप अच्छे होंगे तो आपके बच्चे भी अच्छे होंगे, फिर आप जब शादी करेंगे जो बहू आएगी वो भी अच्छी होगी, क्योंकि वो भी ये देखेगी कि मेरे सास ससुर कैसे रहते हैं। तो ये सर परंपरा फिर ऐसे चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हरजाई जी, बात यह है, हम तो चलो मीडिया में, हमको डेली का पता लगता है, डेली हम आप अखबारों में भी पढ़ते हैं, ज्यादातर झगड़े पति पत्नी के पुलिस थानों पर और कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं जी, और मारकटाई भी होती पति पत्नी में। आप तो कह रहे हैं मान, एक ने गलती करी दूसरा गलती मान ले और वो मामला खत्म हो जाता है। यहाँ तक नौबत क्यों आती है जब वो कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं, और इवन जो आफ्टर ऑल नारी शक्ति है, औरत है, उसकी भी जो जिंदगी है वो वहाँ जो जाकर कोर्ट कचहरियों में, वो क्या उसकी इज्जत रह जाती है जब पुलिस थानों में आपकी ही जैसे किसी की पत्नी हो तो किसी की बहन भी है, किसी की माता भी है, और किसी के पत्नी तो आपकी भी है, लेकिन जो आपकी पत्नी
के खिलाफ आप पुलिस में जाओगे, कोर्ट कचहरी में जाओगे, तो फिर इज्जत कहाँ रही? फिर तो दोनों की इज्जत खत्म हो जाती है। फिर वो ईगो प्रॉब्लम जो आप कहते हो, वो ईगो प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है, वो देखता ही नहीं है, चाहे पुलिस हो तो चाहे कोर्ट कचहरी हो। क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक नौबत ना आए और पति पत्नी का रिश्ता जो है वो पवित्र बना रहे, वो कैसे होना चाहिए? कोई आपका सुझाव क्या? देखिए, पति पत्नी का प्यार हमेशा रह सकता है। अगर आज जो मेरी आवाज़ को सुनेंगे या जो इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा या कोर्ट कचहरी में या समाज सोसाइटी में रहता है, तो वो आज ही दूर हो सकता है अगर वो मेरी दर्शक मेरी बात मानेंगे या समझेंगे। देखिए क्या होता है, पति पत्नी के बीच में वो मायका हो या ससुराल हो, उनमें कोई भी ऐसा इंसान हो जो गलत फहमी एक दूसरे के पति पत्नी के बीच में डालता है, सिर्फ मेन बात मेन कारण यही होता है कि जब कोई पति पत्नी के बीच में तीसरा इंसान आता है, वो तीसरा इंसान कौन होता है? वो मायके का भी हो सकता है, ससुराल का भी हो सकता है, वो आके पड़ोस का भी हो सकता है, दूर का रिश्तेदार नजदीक का रिश्तेदार भी हो सकता है, वो कोई भी है। तो पति पत्नी अगर समझदार हो तो वो ये समझना चाहिए कि मेरा जहां पति है वहां दुनिया कोई उसका स्थान नहीं दे सकती, और जो मेरी पत्नी है वो सबसे प्यारा रिश्ता है, और हमारा एक दूसरे के साथ जो एक संबंध भगवान ने बनाया है, देखिए ये रिश्ते भगवान बनाता है, ढूंढते हम है, करते हम है, प्रभु के ये जो किसी के साथ रिश्ता बना हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ आपका रिश्ता एक बार बन गया जी, तो लाइफ टाइम जीवन भर उस रिश्ते को निभाओ। कहीं हल्का फुल्का कहीं कोई कमी पेशी रहती है, हर इंसान में रहती है। ऐसा इस धरती पर कौन सा इंसान है जिससे गलतियाँ नहीं होती है? बिल्कुल, हर एक इंसान से गलती होती है। लेकिन अपने रिश्तों की मर्यादा अगर आप समझेंगे तो मुझे लगता है कि आपका लोक भी संवर जाएगा और आपका परलोक भी संवर जाएगा। तो इससे एक समाज सोसाइटी में आप एक अच्छी मिसाल बन सकते हैं। ये तभी कॉन्फिडेंस आता है। आज मैं रिश्तों की गरिमा को समझता हूँ कि माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पति पत्नी का कैसा होना चाहिए, भाई भाई का कैसा होना चाहिए, और ये अपने बच्चे भाई सबके बच्चे जो होते हैं इनमें को भी कोई डिफेंस नहीं रखनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी मामूली सी कॉमन एक सेंस की बात है कि आप रिश्तों को प्यार से निभाओ तो फिर देखिए क्या। आज मुझे दुख होता है, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो अपने माता पिता को तो पड़ोसी बना देते हैं और पड़ोसियों के माता पिता की जाके पैर छूते हैं। बिल्कुल, मेरे पास ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं कि माता पिता से वो बेटा बहू बात नहीं करेंगे, लेकिन पड़ोसियों के जो बुजुर्ग हैं उनके पैर छुएंगे, बिल्कुल उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये कितनी बड़ी तोहीन है अपने माता पिता की। मैं कहता हूँ सबका मान सम्मान करो, जो हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे वो हमारे परिवार में हैं, चाहे हमारे पड़ोस में रहते हैं, सबका मान सम्मान करो, सबका आशीर्वाद लो। लेकिन ये नहीं है कि आप अपने माता पिता का तिरस्कार करके और दूसरों के पैर छुएं, तो ये मैं इसको नहीं मानता कि ये कोई बहुत सही बात है। मैं तो इसको और आगे लेके जाता हूँ। हमने जो यहाँ तक देखा है, माता पिता को से अलग होना एक अलग बात है, अपनी इंडिपेंडेंट जीवन जीना और माता पिता अपने पेरेंट्स को अलग छोड़ देना। यहाँ तक कि लोग अपने माता पिता को जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं। देखिए आज तक बहुत सारी उदाहरणें हैं, हम आप चले जाओ किसी भी सीनियर सिटीजन जो बनाए आजकल संस्थाओं ने, वो संस्थाएं संभालती हैं, उनकी ओल्ड एज होम में उनकी परवरिश करती हैं, उनके यहाँ तक कि जब उनका स्वास पूरा हो जाता है तो उनकी वो संस्कार भी वही करते हैं। बताओ वो क्या रिश्ता है, आप सब बताने की जरा कोशिश कीजिए। फिर लोग, आप माता पिता भी हो, अभी आपके आगे बहुएं भी हैं, बच्चे भी हैं, तो कैसा लगेगा अगर आप जब उस एज में आओगे तो आपको अगर आप ओल्ड एज होम में भेज दिया जाए तो कैसे होना चाहिए, जब आप इसको समझे। बहुत अच्छा आपने बोला भी कम से कम आप जो करोगे वो ही आप भरोगे, क्योंकि आपके सामने जो बच्चे देखते हैं आपकी ज़िंदगी में वो ही बच्चे अपनाते हैं। तो हरजाई जी, जिस तरीके से आप वीडियो में बहुत हमेशा अपने लोगों को समझाने की कोशिश करते हो, भाई ज़िंदगी में जो लोग अच्छे दिखते हैं जी, वो कई बार होते नहीं है, क्योंकि वो अच्छे होने का ढोंग करते हैं। जी, जी, जी। देखो, देखो, देखो। तो जब तक कोई सीखना, कहते हैं जिंदगी में सीखना चाहिए, ये भी सबसे पहले सीखना चाहिए, भाई लोगों को पहचानो जी,
अगर आपने पत्नी की सिलेक्शन करनी है, शादी करनी है, तो उसको भी पहचानो, तभी कहीं गलत आप सिलेक्शन ना कर पाओ। जी, जी जी। तो लोग जो हैं वो कैसे आप पहचानोगे, इसकी भी आपने एक मुझे ज़्यादा वीडियो डाली थी, पर लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। और कुछ सीखो ना सीखो, लोगों को पहचानना जरूर सीखो। जी, मैं ये समझता हूँ आज के यूथ बच्चे पढ़े लिखे हैं, बहुत तहजीब है आज के बच्चों को, मैं मानता हूँ। मैं आज की जो यंगस्टर है, जो यूथ हैं, मैं उनको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि माता पिता के साथ रहने का जो अहंकार होता है, वो मैं बहुत नम्रता विनम्रता से कहता हूँ, ऐसा अहंकार श्री राम जी, श्री कृष्णा जी और प्रभु के चरणों में होता है। ये घमंड, भगवान जी कहते हैं ये घमंड रखो आप, ये अहंकार रखो आप, ये बहुत अच्छा अहंकार है। लेकिन आज हमारे लोग समाज सोसाइटी में स्टेटस स्टैंडर्ड, बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी, इन पचड़ों में फंसे हुए हैं। इससे आपका जीवन खुशहाल नहीं हो सकता। माता पिता का मान सम्मान करो, पति पत्नी का करो, भाइयों का करो। अगर ये चार रिश्ते आप नहीं निभा सकते, तो मैं एक बात कहूँगा, फिर हम धरती पर करने के आए हैं। ये मैं इस वजह से कहता हूँ कि जो थोड़े से अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको रिश्ते निभाने की समझ होनी चाहिए। आज माता पिता को छोड़ देते हैं, ओल्ड एज होम में मैं गया हूँ, मेरा साहब इतना दुख होता है, मेरे आंसू आ गए जब मैं उनका दर्द देखता हूँ कि एक बेटा है, हमने उनको पाला पोसा अपनी हैसियत के हिसाब से, हमने उनकी परवरिश की, लेकिन वो बाहर कोई कनाडा है, कोई यूके में है, कोई बाहर है, तो उन्होंने कभी हालचाल नहीं पूछा। और वो मकान जिसमें रहते थे वो सेल कर दिया, बेच दिया, और वो आज ओल्ड एज होम में है। तो मैं वहाँ गया हूँ, बड़ा दुख होता है। मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस यही कहता है कि जीवन हो तो माता पिता के साथ हो, जीवन हो तो भाइयों के साथ हो, जीवन हो तो पति पत्नी के साथ हो, जीवन हो तो अपने बच्चों के साथ हो। अगर ये जीवन है तो फिर आपने पैदा होने में कोई गलती नहीं की। मैं एक बात कहूँगा कि आपका जीवन सफल है। इस बात को सभी दर्शक जो भी देख रहे हैं वो समझे, और उनके लिए मैं एक निवेदन करूंगा कि आप आनंद में है, सुख में है, और ऐसा जीवन गुजारो ताकि आपकी आने वाली जनरेशन आपको मान सम्मान दे और आप एक समाज सोसाइटी के लिए आइडियल बनो। बिल्कुल, आइडियल तभी बन सकते हो आप जब आप अपने पति पत्नी के रिश्ते ठीक से निभाओगे, आदर्श पति पत्नी बनोगे और समाज में अपनी एक पहचान बनाओगे। जिस तरीके से नरेंद्र हरजाई जी ने अपने परिवार की एक पहचान बनाई है कि ऐसा परिवार जो 5 पीढ़ियों से एकत्रित है, इकट्ठा है, एकमुठ है और शक्तिशाली है, और सबको यही सिखाता है कि आप इकट्ठे रहो और अपने रिश्तों को प्यार से निभाओ। अगर कोई गलती हो जाती है, कोई इंसान गलती का पुतला है, अगर गलती हो जाती तो उसको गलती मानो। अगर एक ने मान ली तो मेरे ख्याल से दूसरी बार जो गलती का जो एहसास है वो हो ही जाता है और गलती करता भी नहीं है इंसान। तो आज हमने ये पवित्र रिश्ता पति पत्नी के रिश्ते पर बात की, और मुझे लगता है आपका ज़रूर इसमें जो जितनी मेरे ख्याल समझ है उस हिसाब से हमने बात जरूर की है। लेकिन अगले एपिसोड में फिर और किसी रिश्ते के बारे में बात करेंगे। आज हमारे आप कमेंट्स बॉक्स में इस पवित्र रिश्ते को सुनकर ज़रूर सुझाव दें, और क्या बढ़िया हो सकता है पति पत्नी के रिश्ते को संभालने के लिए। जैसे मैंने पहले भी किया था कि गृहस्थी को संभालने में आपका ही जो योगदान है वो अहम योगदान है। किसी और ने अगर बीच में छलांग लगाई तो वो आपका जो जीवन है वो बिखर जाएगा। इसलिए पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को एकजुट होकर निभाएं और संयुक्त परिवार को एकत्र रखें और शक्तिशाली बनाएं। ऐसा ही हमारी कामना है, ऐसा ही हमारे नरेंद्र जी का, हरजोई जी का ये संदेश भी है। और अब समय हो चुका है, अब मुझे और हरजाई जी को इजाज़त दें। नमस्कार। एक बार ये कहना चाहूँगा, पति पत्नी का प्यार जीवन में बहार। तो अगर जीवन में बाहर चाहते हो तो पति पत्नी प्यार से रहो। नमन, सभी का धन्यवाद। नमन।